हार्दिक पांड्या की कप्तानी में अहमदाबाद की टीम इस बार के आईपीएल में उतरने वाली है। नई टीम है, नया कप्तान है, तो नया जोश भी दिखने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अहमदाबाद की टीम इस बार के मेगा ऑक्शन में कौन से प्लेयर्स को फोकस करने वाली, कौन से प्लेयर्स को टारगेट करने वाली है, और अलग अलग पहलुओं पर बात करने वाले। बहुत डिटेल्ड वीडियो है, एंड तक जरूर देखना। और दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो तो आपका इंतजार लाइक के बटन पर दिखाइए, लाइक के बटन को हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम वो तीन खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं जो कि अहमदाबाद की टीम में जुड़ चुके हैं ड्राफ्ट प्रोसेस के जरिए। तो सबसे पहला खिलाड़ी जो कि अहमदाबाद की टीम में जुड़ चुका है वो है कप्तान हार्दिक पांड्या। कप्तान हार्दिक पांड्या को 15 करोड़ रुपए में अहमदाबाद की टीम में, मतलब ड्राफ्ट प्रोसेस के जरिए अहमदाबाद ने ले लिया गया है और कप्तानी का एक्सपीरियंस नहीं है। लेट्स सी, देखते हैं अब क्या होता है। दूसरा खिलाड़ी जो कि अहमदाबाद की टीम ने ले लिया गया है ड्राफ्ट प्रोसेस के जरिए वो है राशिद खान। राशिद करामाती खान की तो आपने गेंदबाजी देखी होगी, आईपीएल में खूब चलती है, खूब बड़े बड़े विकेट्स लेते हैं और अभी दूसरी लीगों में भी बहुत अच्छा खेल रहा है राशिद खान। तो मतलब इनका फॉर्म तो है नेक्स्ट लेवल है, मतलब बहुत अच्छा खिलाड़ी ले लिया गया है। और तीसरा खिलाड़ी जो कि अहमदाबाद की टीम ने ड्राफ्ट प्रोसेस के जरिए लिया गया है वो है शुभमन गिल। शुभमन गिल को भी ऐसा ओपनर अहमदाबाद की टीम ने ड्राफ्ट प्रोसेस के जरिए ले लिया गया है और बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं। इनके पास बैटिंग बहुत अच्छी है और अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। तो ये तीन खिलाड़ी थे जो कि अहमदाबाद की टीम ने ड्राफ्ट प्रोसेस के जरिए ले लिया गया है और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को तो। और अहमदाबाद की टीम के पास अब मेगा ऑक्शन के लिए 52 करोड़ रुपए के, यानी कि 52 करोड़ रुपए का पर्स बचा गया है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अहमदाबाद की टीम मेगा ऑक्शन में कौन से प्लेयर्स को टारगेट करने वाली है। तो सबसे पहले हम बल्लेबाजों के साथ शुरुआत करने वाले कि कौन से बैट्समैन को टारगेट करने वाली है। तो सबसे पहला बैट्समैन जो कि अहमदाबाद की टीम का डेफिनेटली टारगेट रहने वाला है वो है ईशान किशन। वैसे तो ईशान किशन को स्पेशल पिक के जरिए अहमदाबाद की टीम लेना चाहती थी, लेकिन ईशान किशन कुछ कारणों के चलते मतलब स्पेशल पिक में नहीं आए, शायद प्राइस से सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे ईशान किशन। तो ईशान किशन को अब मेगा ऑक्शन में टारगेट करने की कोशिश करेगी अहमदाबाद की टीम और अच्छे पिक हो सकते हैं। दूसरा बल्लेबाज जो कि अहमदाबाद की टीम टारगेट करने वाली है वो है देवदत्त पड्डीकल। वैसे तो आपके पास शुभमन गिल के रूप में एक ओपनर है और आप एक और ओपनर मतलब तलाशने की कोशिश करोगे, ऑब्वियसली बात है शुभमन गिल के साथ कोई तगड़ा ओपनर तलाशने की कोशिश करेगी अहमदाबाद की टीम। और देवदत्त पड्डीकल बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपको मतलब पीछे पलटने की बहुत सालों तक जरूरत नहीं रहेगी, कुछ रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी अहमदाबाद की टीम को ओपनर की। तो ये दो ओपनर बहुत अच्छे हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तीसरा बल्लेबाज जो कि अहमदाबाद की टीम ऐसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन टारगेट करने वाली है वो है नीतीश राणा। नीतीश राणा भी मतलब बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, मिडिल ऑर्डर आपको बहुत अच्छा संभाल कर दे देते हैं और सिर्फ 1 करोड़ रुपए की बेस प्राइस के साथ इस बार के मेगा ऑक्शन में आ रहे हैं नीतीश राणा। और आपने केकेआर की टीम की तरफ से पिछली बार देखा होगा बहुत बड़ा रोल था नीतीश राणा का और बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। तो अहमदाबाद की टीम एक तरह से मतलब इन पर भी दाव लगाने वाली, इनको भी मतलब टारगेट करने वाली, इनकी भी मतलब रडार में लेने वाली है। और चौथा बल्लेबाज जो कि अहमदाबाद की टीम टारगेट करने वाली है वो है लियाम लिविंगस्टोन। वैसे तो लियाम लिविंगस्टोन का परफॉर्मेंस राजस्थान रॉयल की टीम की तरफ से पिछली बार इतना खासा नहीं था, लेकिन विस्फोटक बल्लेबाज है इंग्लैंड की टीम के, अच्छा मिडिल ऑर्डर संभाल लेते हैं और अहमदाबाद की टीम इनको देख सकती है। अगर कोई अच्छा विदेशी बल्लेबाज नहीं मिला तो लियाम लिविंगस्टोन को ले सकती है अहमदाबाद की टीम, देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। अब ऑलराउंडर्स की बात कर लेते कि अहमदाबाद की टीम कौन से ऑलराउंडर्स को टारगेट करने वाली। तो सबसे पहला ऑलराउंडर जो कि अहमदाबाद की टीम का टारगेट रहने वाला है वो है जेम्स फॉकनर। वैसे तो 2017 के बाद से जेम्स फॉकनर आईपीएल में खेल नहीं रहे, लेकिन इनका परफॉर्मेंस बिग बैश लीग में बहुत अच्छा रहता है। बिग बैश लीग में गेंद के साथ भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है जेम्स फॉकनर का और बल्ले के साथ भी बहुत अच्छा रहता है और एक अच्छे ऑलराउंडर है। आपको मौका देना पड़ेगा इनको, जब तक मौका खिलाड़ियों को नहीं दो वो उनका फॉर्म जो है निखर कर नहीं आता है। तो जेम्स फॉकनर भी मतलब अच्छे खिलाड़ी साबित हो सकते हैं और इनको भी टारगेट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस नहीं बचे। बेन स्टोक्स जो है बाहर हो चुके हैं, क्रिस मॉरिस रिटायर हो चुके हैं, तो देख सकती है अहमदाबाद की टीम। दूसरा ऑलराउंडर जो कि अहमदाबाद की टीम का टारगेट रहने वाला है वो है बेन कटिंग। वैसे तो केकेआर की टीम की तरफ से पिछली बार बेन कटिंग को मौके नहीं मिले थे, लेकिन एक बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है बेन कटिंग। आपने 2016 के में देखा होगा एसआरएच की टीम की तरफ से बहुत ही बड़ा रोल था बेन कटिंग का और फाइनल में भी पहुंची थी, फाइनल में भी बहुत बड़ा हाथ था। तो बेन कटिंग भी बहुत अच्छे ऑलराउंडर हो सकते हैं। अगला ऑलराउंडर जो कि अहमदाबाद की टीम टारगेट करने वाली वो है मोहम्मद नबी। अफगानिस्तान की टीम के कप्तान है मोहम्मद नबी और बहुत ही अच्छे मतलब एसेट साबित हो सकते हैं। इनके पास भी अच्छी काबिलियत है बल्लेबाजी करने की, गेंदबाजी करने की, इनकी भी स्पिन बहुत अच्छी है और अफगानिस्तान के कप्तान है तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है इनके पास। तो अहमदाबाद की टीम का टारगेट रहने वाला है मोहम्मद नबी के रूप में। अब गेंदबाजों की बात कर लेते हैं कि कौन से गेंदबाजों को टारगेट करने वाली अहमदाबाद की टीम को। तो सबसे पहला गेंदबाज जो कि अहमदाबाद की टीम टारगेट करेगी वो है लॉकी फर्गुसन।
फर्गुसन पिछली बार जो है केकेआर की टीम में थे, लेकिन इनको मौके नहीं मिले थे, बिल्कुल भी मौके नहीं मिले थे। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम के तेज़ गेंदबाज है, इनके पास भी काबिलियत बहुत अच्छी गेंदबाजी करने की, यॉर्कर है, बाउंस है, सब कुछ है इनके पास, तो इनको भी देख सकते हैं अहमदाबाद की टीम। अगला टारगेट जो कि अहमदाबाद की टीम का रहने वाला है वो है चेतन सकारिया। वैसे तो चेतन सकारिया का परफॉर्मेंस पिछली बार राजस्थान रॉयल की टीम की तरफ से यूएई वाले लेग में इतना अच्छा नहीं आया था, लेकिन आपने भारत में जो आईपीएल हुआ था उसमें देखा होगा चेतन सकारिया की बॉलिंग बहुत अच्छी चल रही थी, और इनको अगर आप जितने मौके दोगे इनकी बॉलिंग में उतना सुधार आएगा, तो अहमदाबाद की टीम इनको भी टारगेट कर सकती है। अच्छे यंग बॉलर है तो मतलब टारगेट कर सकती है, अच्छे बॉलर हो सकते हैं। अगला गेंदबाज और आखिरी गेंदबाज जो कि अहमदाबाद की टीम का टारगेट रहने वाला है वो है राहुल चहर। वैसे तो राहुल चहर के पीछे बहुत सी टीमें जाने वाली, स्पेशली मुंबई इंडियंस की टीम भी बैक करना चाहेगी इनको, लेकिन अहमदाबाद की टीम भी इनको टारगेट करेगी एज ए स्पिनर, बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं और आपको मतलब थोड़े सस्ते भी मिल सकते हैं ये। अगर कोई सी टीमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी इन पर, तो मतलब राहुल चहर को भी मतलब अहमदाबाद की टीम टारगेट कर सकती है, अच्छे गेंदबाज साबित हो सकते हैं और अच्छे स्पिनर है। तो मेरे हिसाब से ये 10 खिलाड़ी थे जो कि अहमदाबाद की टीम इस बार के मेगा ऑक्शन में टारगेट करने वाली है। आपके हिसाब से कौन से 10 खिलाड़ी हो सकते हैं, आपका फीडबैक भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपका फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि मेरे लेटेस्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।